नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हम इग्नोर करते हैं, हैंड वॉश के बारे में। हैंड वॉश कितना अधिक जरूरी होता है ये तो कोविड ने सबको समझा दिया, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम खाने के टाइम पर तो हैंड वॉश कर लेते हैं, लेकिन जब भी हर कभी हम हैंड वॉश नहीं करते। जब भी हम लोग बाहर से आते हैं तो हमको हैंड वॉश करना बहुत जरूरी होता है। जो छोटे हैंड वॉश तो करना जरूरी है ही, इसके साथ साथ हमें पैर धोने की भी हैबिट डालनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे पैर में भी डस्ट और कभी कभी बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह भी आने लगते हैं पैरों में। और जब हम सीधे बेड पर बैठ जाएंगे या बिस्तर को टच करेंगे या हम सोफे पर जाके सीधे बैठ रहे हैं, फ्लोर में हम टच हो रहे हैं, तो इन सबके कारण ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत तेजी से फैलते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हमें इन्फेक्शन क्यों हो गया। पहले की आपने मूवीज देखी होगी या पहले के जमाने में देखा होगा, कई लोगों से सुना होगा कि लोगों के घरों के बाहर एक बाल्टी मग रखा रहता था, या पुरानी मूवीज में हम देखते हैं हाथ पैर धोते ही लोग घर के अंदर एंटर करते थे। तो ये सब जो हमारे इंडियन रिचुअल्स हैं ये सब इसी सेफ्टी के लिए होते थे। जनरली अब क्या होता है, हमारे बच्चे जो होते हैं वो कहीं भी बाहर से आते हैं, कुछ भी टच करने लगते हैं, जो हैंड है वो स्किन पर टच करते हैं, तो इससे स्किन के रेसेस हो सकते हैं। इसके अलावा वही हैंड कभी कभी माउथ में डाल देते हैं, तो बहुत सारी टाइफाइड या अदर जो डिजीजेस हैं ये सब आपको हो सकती हैं इसी कारण से। तो हैंड वॉश बहुत अधिक जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, हैंड वॉश करना कैसे है? वैसे तो हम टीवी पर रोज ही देखते हैं, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले तो हम कंटिन्यूअसली देख रहे थे कि 30 से 45 सेकंड तक आपको हाथों को धोना है। और जब भी आप हाथ धोते हैं तो अच्छे से सोप लगा के हैंड वॉश करना है। ऐसा नहीं कि आप सिंपल पानी से हैंड वॉश वॉश कर लें, अच्छे से सोप से हमें हैंड वॉश करना है और अच्छे से हैंड मलना है आपको, अच्छे फिंगर्स के बीच में, थंब, नेल्स और यहाँ तक कलाइयों तक, आपको यहाँ यहाँ इतना एरिया तक आपको अच्छे से हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद अच्छे से साफ टॉवल से आपको हैंड पोंछना है, और वो टॉवल किसी और की यूज की हुई नहीं होनी चाहिए। एक टॉवल से कोई और बंदा पोंछ के गया, फिर आपने भी पोंछ लिया। और हैंड को सुखाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। जनरली क्या होता है, हैंड वॉश करने के बाद गीले हाथों से ही हम कई बार खाना खाने लगते हैं, तो इन सब चीजों से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, छोटी छोटी परेशानियां होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ये बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है।